गाइस रोजा है हमारा, रोजा लग रहा है। इधर हमारे आमिर भाई ने बोले मुर्गे वाले समोसे लेता हूँ, बोले 70 के लिए अभी से भाई 2 बज रहे हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, नहीं अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यजदान। आज है आई थिंक 4th डे है रोजे का एंड हम अभी जुमे की नमाज के लिए जा रहे हैं। सब दोस्तों को साथ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, रब्बानी भाई, अब्दुल्ला भाई, आमिर भाई। तो घर से सबसे पहले मैं निकला हूँ अभी, तो अभी अपन अपनी गाड़ी भरेंगे, खाली पड़ी अभी गाड़ी। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था सबको कि मुझे सिर्फ कुरान के 2 सुरा ही आते हैं, वही मैं नमाज में पढ़ता हूँ हमेशा, ठीक है, मुझे उससे ज़्यादा नहीं आते थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज सुबह फजर में ट्राई किया, कुरान पाक को मैंने ओपन किया, ठीक है, और एक तरफ से मैंने यूट्यूब पे उसका रिसाइटेशन ओपन किया, ठीक है, और मैंने एकदम लास्ट जो सुरा है सुरे अन्नास, ठीक है, वो मैंने लाइक लर्न किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वो लर्न हो गया, ठीक है। मुझे लग रहा था मुझे डिफ़िकल्टी होगी, तो मैंने ये अहद किया इंशाल्लाह मैं लास्ट से कुरान के सुरा जो है छोटे छोटे वो सारे के सारे रमज़ानों मुबारक में मैं लर्न करूँगा। मैं अपने भाइयों से भी और अपनी बहनों से भी जो लोग देख रहे हैं, मैं आप सबको ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शायद से वक्त नहीं मिलता है या फिर वो लेज़ीनेस की वजह से वो कुरान को खोलते नहीं हैं और पढ़ते नहीं हैं, जैसे कि मैं भी था, ठीक है। मैं खुद की बात करता हूँ क्योंकि जो मैं खुद हूँ पहली बात तो वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। आप कुरान को दिल से ओपन करोगे ना जब, और सीखने की कोशिश करोगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। मे बी आपको वो रिसाइटेशन एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग में नहीं आएगी, बट आप जब 2-3-4 बार एक बार रिपीट करोगे ना, मेहनत करोगे, इन शॉर्ट एफर्ट लगाओगे ना, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, और ये मैंने चीज़ देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और मैं और आमिर भाई जा रहे हैं अभी उमरा पे, अल्लाह ताला हमारा उमरा कबूल करे। इतने टाइम से उमरा पे जाने की कोशिश थी, बट अल्लाह ताला चाहता था हम हज का सवाब भी कमाएं, बिकॉज रमज़ान मुबारक में जो शख्स उमरा करता है उसको हज का सवाब मिलता है। सिर्फ हज का सवाब नहीं मिलता है, उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का सवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह खैर। एंड अल्लाह के जितने जितना करोड़ों करोड़ों शुक्रिया अदा करें उतना कम है। मैंने एक मामूल और बनाया है कि जब सुबह में फजर की नमाज के बाद ना मैं बयान ज़रूर सुनता हूँ। आपको पता है बयान सुनने से आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। मैं जो ये आज ऐसा इंसान बना हूँ वो बयान सुनने की वजह से बना हूँ। तो बयान आपकी ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्ट लाते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं तारिक जमील साहब का एक बयान सुन रहा था, वो कनाडा में बयान दे रहे थे, आई थिंक उनका एक बयान था, उसमें वो बता रहे थे कयामत के टाइम के बारे में, जहन्नुम के बारे में, कि जहन्नुम जब चीख मारेगी तो उस वक्त लाइक हर एक शख्स, हर एक इंसान, हर एक नबी, अंबिया, सब अल्लाह ताला से कह रहे होंगे नफसी नफसी, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। और कहीं से आवाज़ आएगी, या अल्लाह, या रब, उम्मती उम्मती, लाइक मतलब आप सोचो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इंसानों के लिए, मतलब हम अपनी उम्मत के लिए वो लाइक अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, वो अपनी उम्मत के लिए कहेंगे, अपनी उम्मत को बचाएंगे। वो इतना इमोशनल, लाइक वो जो तारिक जमील साहब बयान कर रहे थे ना, मतलब सीरियसली मुझे घूसपम्स आ रहे थे। लाइक मैं कभी कभी स्टार्टिंग में ना जब मैं मुसलमान हुआ था तो उस वक्त मैं सोचता था, सब लोग कहते हैं कि हमें अपनी जान से ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, हमें अल्लाह ताला से अपनी जान से बढ़ के मोहब्बत करनी है। मैं सोचता था मेरे दिल में वैसी मोहब्बत कब आएगी, बिकॉज स्टार्टिंग में नहीं समझ आता था। बट स्लोली स्लोली जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ आगे, जैसे जैसे मैं इस्लाम को समझ रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे और समझ आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कैसे फील होता है जब इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लेता है, तो किस तरह से वो इंसान नरम पड़ जाता है और इमोशनल हो जाता है। लाइक इट्स
मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, मैं इमोशनल होऊंगा। मतलब ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत अच्छे से मुझे कुरान आती है, ना ही मैं बहुत ज़्यादा इबादत करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ता हूँ, मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं सुधरने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह सुधरूँगा, इंशाल्लाह मैं और ज़्यादा सुन्नतों पे अमल करूँगा। बट अल्लाह ताला ने जो दिल नरम किया है ना, मुझे सच में उस चीज़ को सोच के भी मुझे मतलब कभी कभी विश्वास नहीं होता, बिलीव नहीं होता खुद पे कि मैं ऐसा चेंज हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं कि इस्लाम इंसान को एरोगेंट बनाता है, इस्लाम इंसान को बहुत ज़्यादा वायलेंट बनाता है, बट मुझे तो इस्लाम ने बहुत ज़्यादा नरम कर दिया है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत डाउन टू अर्थ कर दिया है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड कर दिया है, बहुत ज़्यादा लाइक अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक मैं चाहता हूँ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मेरा अखलाक हो, ठीक है। कभी भी अपने दिल में किसी भी शख्स के लिए कोई बोझ ना रखूं, कभी भी नहीं यार। बहुत ज़्यादा बात कर लिया, आई एम सॉरी, बट पता नहीं मेरे दिल से आई बात तो मैं सोचा कर लेते हैं ना। हम अब्दुल्ला भाई के घर पे आ चुके हैं माशाल्लाह। चलिए, अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह भाई, क्या बात है, वाइट वाइट। अरे क्या हुआ, नीचे क्या हुआ, कुछ था क्या? मैंने सुना आपने नया फोन लिया भाई, माशाल्लाह 15 प्रो मैक्स। कैसा है? क्या मिलते नहीं हो तो तुमको क्या खबर दे, तुमको तुम्हारे ठिकाने ही नहीं रहते। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अच्छा, ये मुझे लगा ये कवर है। नहीं नहीं, तस्बीह वगैरह लेके घूम रहे हैं माशाल्लाह भाई। वो तो रहती है ना, जेब में रहती है। क्या चलो चलेंगे, बिस्मिल्लाह। सो गाइस, आमिर भाई गाड़ी में फोन नहीं उठा रहे अपना। ये देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आज तो आप पूरे हैं सब मस्त एकदम, माशाल्लाह तुम्हारे गला। अरे अरे सॉरी। चलो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह तकिए रखे हुए हैं आमिर भाई ने पीछे, तकिए दे रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या अभी बंगले पे जाना है अभी? माशाल्लाह तबारकअल्लाह। चलिए भाई, 10 साल बाद क्या आए, मस्जिद बंद। 10 साल के बाद आए हैं मस्जिद अक्सा। पहले अक्सर याद जो बचपन में यही रहते थे ना, तो हमारा जुमा पूरी मस्जिद फुल है। कैसे हो आप, रेडी फॉर उमरा? माशाल्लाह। हेलो जी, आ गया हमारा भाई। कैसे हो भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नहीं बोला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? तो कल हो गया, आज का क्या कांड किया तूने? आज का कुछ नहीं किया, अभी करना बाकी है। करेगा, बड़ी चीज़ तोड़नी है, अच्छी महंगी वाली। ठीक है बेटा, महंगी चीज़ देखना। और अब्बा का नया फ़ोन है iPhone 15 Pro Max, बहुत मस्त, एकदम टूटने के बाद मस्त आवाज़ आती है, मज़ा आएगा तेरे को तोड़ने में। फिर अब्बा इसको तोड़ेंगे, उसका क्या आदत है इसको तोड़ने के, तो तोड़ता वो। ये इसके अब्बा देखो, आमिर भाई से सीखा है तोड़ने वाली चीज़ें। आमिर भाई आपसे बच्चे क्या सीख रहे हैं? देखिए आमिर भाई क्या सिखा रहे हैं। मुझे लगता है आमिर भाई अपने बच्चों, इनके बच्चों ने शायद से बचपन में काफ़ी कुछ तोड़ा होगा, इसीलिए तो वैसे ही शादीशुदा है, दो दो बड़े बड़े बच्चे हैं। मस्जिद अक्सा का एक नया मेंबर बनने वाला है माशाल्लाह, तो वही अभी काम चालू है तो वो दिखाने जा रहे हैं आपको। चलिए यहाँ से एंट्री है, यहीं पे बन रहे बनने वाला है। तो अभी इंशाल्लाह यहाँ का मेंबर का काम हो रहा है। तो भाई अभी कहाँ का इरादा है?
हाँ हमें एहराम लेना है। हाफिज साहब यहाँ पे माशाल्लाह, ये खरबूजा है। एग्जाम सलाम अलैकुम, जा रहे हो? बाय। अरे अरे, ये रही हमारी धन्नो माशाल्लाह, हमारे रब्बानी भाई टोपिया सेट कर रहे हैं अपनी। तो जी अभी आमिर भाई चलाएंगे हमारे। सो गाइस, रोजा है हमारा और रोजा लग रहा है, और इधर हमारे आमिर भाई होटल पे होटल दिखा रहे हैं और दही पे दही दिखा रहे हैं। बोल रहे दही यहाँ पे एक नंबर मिलता है। बोले मुर्गे वाले समोसे लेता हूँ पुलिस इफ्तारी के लिए अभी से। भाई 2 बज रहे, अभी 3 भी नहीं बजे। बोले मुर्गे वाले समोसे पीछे डिग्गी में रखता हूँ जिसकी खुशबू आए अभी। ऐसा मत करो मेरी जान। ओ भाई क्या हो गया इसको? चलो कुछ नहीं, टर्न मार रहा हूँ। तुम ऐसा हो? सबको रोजा लग रहा है, कोई मसला नहीं है, होता है। कैंप में आए हैं एहराम लेने के लिए, राइट? लो जी हम आए हैं। कहाँ पे हैं? ये कोलसा गली बोलते हैं। मैं भी पहली बार आया। कौन सा गली? कोलसा गली। आपको पता है सुभानअल्लाह ही वबी हमदही, जो शख्स 100 बार पढ़ता है रोजे की हालत में, कयामत के दिन उसका अजर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। और उससे भी ज़्यादा उसका अजर होगा जो लाइक उससे भी ज़्यादा सुभान अल्लाह ही वबी हमदही पढ़ता है 100 बार एक दिन में। तो आप भी करिए, करें, हम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, हम कुछ नहीं कर एहराम दीदा ना एहराम आज इनकी जल गई है ना, जल गए इनके आज। ये अब्दुल्ला भाई इधर दिखाओ जरा, ये आप अभी देखा मैंने आपको, अभी आपने लगा क्या है सुरमा? हाँ मस्जिद में लगा है। माशाल्लाह देना भाई ये जी। टॉवल वाले देखो, अच्छा ये मोटा वाला है ना? हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है माशाल्लाह। ये दोनों अलग अलग है क्या? सेम है दोनों? सेम है क्या? अच्छा ये सऊदी का, ये बहुत अच्छी क्वालिटी। और ये उधर ही जा रही है, उधर से लेंगे ना फिर की। मजाकिया है हमारे आमिर भाई, कोई दिन पे मत लेना, बहुत जल्दी जान लेता है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। तुमने क्या बोल के पिलाए? मोहब्बत की चुटकी, मोहब्बत की गोली, मोहब्बत की नहीं डकारों की। रोजे से गए इतना हंसा रहे हो फिर भी भाई, रोजा लग रहा है ऐसे मत करो। ये भी अच्छा लग रहा है वैसे, ये भी अच्छा लग रहा है ना, मोटा ही चाहिए ना, वही अच्छा लग रहा है। अच्छा धोना भी है पड़ेगा तो पहले पूछो तो कितने का। आमिर भाई आप भी अभी पसंद करो यार कौन सा लेना है। हमने तो ये वाला पसंद किया है, ये थोड़ा पतला है क्या? अरे हवा तो जाने चाहिए ना भाई, गर्मी रहेंगे तो। ये अच्छा लग रहा है, 700 वाला है, तुमको कौन सा समझ में आ रहा? मुझे समझ में आ गया। हाँ तो ले लो, एक इंडियन एक सऊदी। हाँ चलो कोई मसला नहीं। माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम भाई, आप तो बड़े चेंज लग रहे हो, कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं, कुछ तो कम किया है बाल कम। अरे यार बाल छोटे कैसे? माशाल्लाह वालेकुम जो भी बाबा। जा रहे क्या? हाँ भाई तस्बीह लेनी है। लो जी अभी अब्दुल्ला भाई ड्राइविंग सीट के ऊपर, माशाल्लाह उनकी ड्राइविंग स्किल्स देखेंगे अभी। और आमिर भाई कंफर्टेबल? एकदम कंफर्टेबल माशाल्लाह, लंदन वाले जो बात बोल रहे। लो जी हम आए हैं अख्तर के समोसे के पास, माशाल्लाह यहाँ पे सारे समोसे मिलते हैं। भाई कौन सा लेने वाले आप? प्रॉन्स एंड मटन। लो जी इफ्तारी की गर्दी चालू हो गई माशाल्लाह, यहाँ पे फुल चिकन टिक्का भी है भाई, यहाँ पे चिकन टिक्का समोसा भी है भाई, नया समोसा। तो ये कैंप का फेमस समोसा सेंटर है अख्तर समोसा माशाल्लाह। तो आमिर भाई ये मतलब एक बात बताइए, बंदा रोजे से हो, बंदे को रोजा लग रहा हो, उस टाइम आप गुर्दा कलेजी पाओ समोसे चीज कॉर्न ये क्या क्या? ये देखो गाइस ये पूरे समोसे ही समोसे पड़े हैं यहाँ पे, शुक्र है ये तले हुए नहीं है, नॉन फ्राइड समोसे हैं, नहीं तो इधर खुशबू आ के। सही, किसके समोसे हैं? अख्तर के, अख्तर के कच्चे समोसे, अख्तर के कच्चे समोसे हैं, घर पे जाके तलने का अपनी कढ़ाई में अपने तेल में।
अख्तर की कढ़ाई में तलेंगे तो फिर कच्चे थोड़ी रहेंगे। सही। सलाम वालेकुम। मिलते हैं इंशाल्लाह, कल मिलते हैं, कल इंशाल्लाह मिलते हैं, लग जाएगा भाई। चलो चलो जी। सो गाइज, अब्दुल्ला भाई और हमारे रब्बानी भाई दोनों भी यहाँ पे इफ्तारी नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं अपने अपने घर पे, इसलिए वो जा रहे हैं। ये आदमी गलत, सब गलत बोलता है। इसकी बातों पे मत जाओ, ये दोनों का साटा लोटा है बस। साटा लोटा क्या होता है पहले समझो। क्या बोला? बोला आते तरावी के बाद दाल चावल। कौन? तरावी के बाद आते दाल चावल। तरावी के बाद? मतलब मेरे घर वाले मेरे को ऐसा बोलेंगे कि भाई तू बाहर ही रहे। पुरानी वाली है क्या? मेरी अभी कब के? मेरी 98 की। ये 98 की कुरान है? 98 के मारो। माशाल्लाह। गाइस, हम हैं अभी आमिर भाई के इधर और यहाँ पे इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। और ये आमिर भाई के बाबा हैं और इनकी ये कुरान है 90। ये कितनी मोटी? ये नीचे वाली ये अलग है? नहीं नहीं, ये अलग है। ये क्या है? ये मराठी कुरान ही है। अच्छा, ये मराठी में है और ये अरबिक में है। बट इन्होंने देखो हर जगह पे, आई थिंक आपने हिंदी में लिखा हुआ है ना वहाँ पे? अच्छा देखो यहाँ पे ये इन्होंने सब अच्छे से, माशाल्लाह, यहाँ पे इन्होंने पूरा सीख रहे हैं। नहीं, उस टाइम जब सीख रहा था ना, हाँ, ये काफ़ी अच्छा था, मुझे हर एक का मीनिंग लिखा है। जी जी जी। ग्रामेटिक मीनिंग क्या होता है, क्या माशाल्लाह। लो जी, इफ्तारी का टाइम हो गया माशाल्लाह। हमारे आमिर भाई देखिए, नींबू पानी दे रहे सबको माशाल्लाह। लो जी, हमारे अब्दुल्ला भाई भी वापस आ गए हैं और रब्बानी भाई भी आ गए हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। सो गाइस, पुणे का सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है दालचा खाना। ये पुणे का है ना? फेमस है ना? महाराष्ट्रन। सो मटन का, पूना का है, सॉरी, और मटन का ये होता है दालचा। देखिए माशाल्लाह, अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी। जिनका रोज़ा है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं उनकी। तो रोज़ा का तुम रात को अपलोड करोगे? नहीं, बट फिर भी कुछ लोग सुबह में देखते हैं ना भाई, सुबह सहरी करने के बाद ब्लॉग देखते। सोचो सहरी में देखो, फिर सहरी में देखोगे तो भाई खत्म। लो जी, ये है दालचा भाई, थोड़ा हिलाओ। ओए ओए, दूधिया होता है ये, दूधिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, दूधिया को? बॉटल गॉड। अरे बाप रे भाई, इतना ज्यादा अंग्रेजी मुझे नहीं आती, सॉरी। ये देखिए मटन के पीसेस आ रहे हैं माशाल्लाह, गरम गरम। बिस्मिल्लाह करो। ओए ओए, नींबू डाल के माशाल्लाह। कैसे है रब्बानी भाई? या सलाम, या सलाम। यासीन ने बनाया है माशाल्लाह। या सलाम, बिस्मिल्लाह। बहुत गर्म है भाई। लो लो लो, रब्बानी भाई। अरे अरे अरे, आमिर भाई क्या कर रहे? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। अरे माशाल्लाह। चलो, सलाम वालेकुम। कल इंशाल्लाह मिलते हैं आपके पास, आ जाओ कल। सलाम वालेकुम। सो गाइस, इन्होंने संडे अभी। सलाम वालेकुम। दोनों के दोनों बज गए अभी।